आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। तमामको बताए COVID-19 जो वो फैल रही है रियासत कर्नाटक की तरह मैसूर में भी दिन ब दिन फैल रहा है, जैसा कि बेंगलुरु की भी हालत तमाम देख रहे हैं। मैसूर में आपने देखा पिछले महीने 28 तारीख को हमने रात में यहाँ पहली मौत जो वाकया हुई थी उसको हमें लाइव पेश किया था। उसी तरह 6 तारीख है, लेकिन इन दिनों में अभी तक 6 अमवात हो चुके हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस काम को लेकर हमारे जो आप जानते हैं डॉक्टर नयाज और डॉक्टर शिराज लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे दो ही बात करने वाला हूँ इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात में? अस्सलाम वालेकुम। आजकल तो अब मालूम है सबके सब, अब हमारे एन आर क्षेत्र में जो हमारे मुसलमान तबका है जी, जो स्लम है वो जगह से भी अब हमने केसेस आने के शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये केसेस क्या हो रहे हैं, एक दिन ब दिन बढ़ने को जा रही है। बिल्कुल, रोज हमना एक या दो केसेस आते थे, अब क्या हो रहा है तो रोज को हमना है 130-140-150 केस आना शुरू हो गए। तो इसमें ज्यादातर हमारे कौम कच इसमें केसेस ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सबसे क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ कि हमें हमारे जो नौजवान तख्ता है जी, और साथ में है जो उम्र दराज आदमी है, उन्होंने सब अंदर ही घर में रहे। जो क्या हो रहा है अगर को बोले तो एक देखो तो पूरा भोटला में मामूली पहले के जैसा कुछ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उस वैसा सोशल डिस्टेंसिंग के जैसा मामूली सबके जगह चाय पीले को गप्पे मार ले मार्केट में स्ट्रीट में से वैसा मामूली पीले के, इनको सब इनको सिवियरिटी मालूम नहीं है कितना ये हो रहा है। क्योंकि अब क्या होगा बोला तो अब जो हमारे पास जो हालात दिख रहे हैं, अब जो ये अभी हमारे यहाँ मौत हो रही है सब हो रही है, उसमें क्या है उम्र दराज अदमिया न, इसमें कम उम्र वाले भी शुरू हो रही है मात। अब वो जो बिल्कुल बिल्कुल अब जो हालात हैं वो जी जी, तो अब ये केसेस भी ये जो मौला ये केसेस भी बढ़ने जाने चाहते हैं। क्योंकि ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में खास करके बखारा सर्दी तो आती है, तो साथ में है सो अभी कोरोना भी साथ में, तो एक ऐड एक वायरस एक एक्स्ट्रा हो गया। एहतियात के लिए क्या करना चाहते हैं? एहतियात के एक ही चेक हम लोग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ज्यादातर जो जरूरी रहता है टेम्पू से हमें बाहर जाना है, और इससे ज्यादा और क्या बोलते हैं जो मस्जिदों में जो नमाज खास करके मस्जिदों में एक दो मस्जिदों में जुम्मा की नमाज में मंजे क्या बोला बोला तुम्हें मास्क डाल लग, मुझे मालूम नहीं उनको कि मैं डॉक्टर कर को मंजे क्या बोला तुम्हें मास्क डाल लग नहीं रहता तुम्हें इधर से चले जाओ इधर पुलिस नहीं है तुम्हें अगर को, तो पुलिस के डर से तुम्हें मास्क डालना नहीं है, ये अपनी हेल्थ के वास्ते हमारी सेफ्टी के वास्ते मास्क डालना चाहो। और हमने एक जगह बोलती कि तुम्हें एक मस्जिद में बोल रही कि मुझे तुम्हें है सो नीचे जगह नहीं तो ऊपर चले जाओ, ऊपर क्या भी सोशल डिस्टेंस नहीं मिल मिल को खड़ को पड़े जाकर को, तो मैं एक ही चक के पूरे हमारे जो आलिम हजरात हैं उनको और जो भी नमाजा में जो नमाजा हो रही है तो मैं एक ही चक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, जुम्मा के दिन है सो एक नंबर एक जमात की चार जमात मना को पढ़ो, तुम्हें टाइमिंग सलाद अलादा को पढ़ो, एक ही चक जमात में है सो पढ़ना आपको क्या भी नहीं है, तो जमात टाइमिंग सलादा रखो और स्ट्रिक्ट एक दो आदमी को बाहर खड़ो, खत्म हुए बाद सोशल डिस्टेंसिंग से तुम्हें नमाज पढ़ो। क्योंकि तो सुबह का दिन हमारा नाम खराब होता है बदनाम होता है, क्योंकि तो ये हमें पहले से जो ये कोरोना मैसूर से शुरू हुआ है ये पहले दिन से हमें देख ले कर रही हालात कैसे बिगड़ रही कैसे ये हो रही घर को, हमें क्या सबको भी हमें असस कर ले को जा रही। अब माशाल्लाह हमारे जो DC साहब भी हमने बहुत साथ दे रही हमने इसमें हर चीज़ में भी हमने कैसा हमने ये करना अवेयरनेस फैलना वो सब हमने हमने खुद हमने मुना क्या करते हैं तुम्हें हमने तुम्हारी कम्युनिटी को तुम्हें छह सौ तुम्हें कैसा हैंडल करते करो उनको हमने फुल फ्लेज हम ये देखें मंजे डॉक्टर नयाज को सब हम ये देखें और जो बॉडीज जो इंतकाल फरमा चुके हैं उनको भी हमें क्या कर रहे हैं, कमेटी भी हमने बहुत जो कब्रस्तान कमेटी है वो बहुत साथ दे रही है हमने, इसमें जो वॉलंटियर्स है उन्होंने भी आपको हमारा साथ दे रही, तो ये ऐसा सबको भी हमने ऐसा हमें क्या बोलना था इनका बहुत हमारा हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कमेटी का, और हमें उन्होंने क्या हमें 24 घंटे भी इन्होंने रेडी है हमारे वास्ते, हमें रात रात भी जितने मदफूना करें 2-3 बजे मदफूना करें, और एक सबको एक दिल में एक ये है कि उनको अब जर जमे को जनाजे की नमाज पढ़ रहा है कि नहीं गुसूल दे रही कि नहीं कहीं ना कहीं बहुत आदमी हमें बाकायदा हमें जो शरीयत के हिसाब से है वो शरीयत के हिसाब फॉलो करी बाकायदा हमें नमाज पढ़ा रही
और उनके इसमें पहले उनको हक दे रही जो उनके साथ के आदमी आई उनको उनको हमें पीपी का पिना को उनको हमें बोलेंगे तुम्हें तुम्हारे इसमें तुम्हें कोई नमाज पढ़ना चाहता तो पढ़ा सकता है, नहीं नहीं पढ़ा ना सकता तो कोई बिना बात नहीं, हमारे को इसमें एक वॉलंटियर पढ़ाता नहीं उन्होंने भी नहीं तो मैं भी डॉक्टर नयाज भी तैयार है, डॉक्टर नयाज ऑलरेडी दो नमाजा पढ़ा चुके हैं अपनों, तो फ्यूचर में भी ऐसा हमें क्या बोलते हैं तो क्या भी डरो को लेकिन को बोले तो तुम्हें ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो जितना जरूरी है बता दो, और बुखार ये खाना है तो छपा लेने को जरे जने क्या बुखार आती है डोलो खा लेती हूँ मैं डोलो खा लेती घर में सती हूँ मैं घर में रहता हूँ क्या हॉस्पिटल पूछ लेता हूँ हमने अंदर डाल लेती हूँ दिमाग में उनके बैठ गए वैसा क्या भी नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटल को जान दे डॉक्टर को बता लें दे स्वैप टेस्ट करा लें गले का उनको बुखार सर्दी का तीव्र तो स्वैप टेस्ट करते गले का भी नाक में से उन्होंने एक एक ये रही दाल को अंदर टेस्ट करती हूँ एक दो तीन दिन के बाद में रिजल्ट आता है, खाली रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव आता है डरने की बात नहीं है वो करा लेना अच्छी बात है बेहतर है, सबको मैं एडवाइस देता हूँ हमारे इसमें बनी मंडप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जरा कार्ड पे जो सिम्टोमेटिक रहते हैं ग्राउंड में भी रखे हुए हैं हमें एक सेंटर बना हुए हैं और HHMBG का कोई एक चामुंडी पहाड़ का एक PSC है रोड पर भी एक PSC है वहाँ भी मैं बना हुए सेंटर तो राजेंद्र नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सेंटर बना हुए तो जो नज़दीक है आदमी को लेकिन वो चुप चुप के जाकर हमें कराया जैसे नहीं बिल्कुल फ्री टेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जब पैसे देखो कराने वाला है अब एक प्राइवेट भी हमारे मैसूर में शुरू होगा JSS हॉस्पिटल में 4,500 रुपये को एक ये टेस्ट देते 4,500 रुपये होता है प्राइवेट JSS में करते कौन भी जाकर करा सकता है लेकिन ये जो ये चुप चुप के जाको हमें जाको करा लेंगे रे कर को चुपके चुपके दूसरे आदमी को जो जरूरत आदमी को प्रॉब्लम है तो जो तकलीफ है उन्हें जान दे उसे प्रेफरेंस दे कई कर बोला तो एक दिन में हमारे 500 की 400 की टेस्ट होती है ये चुपका आदमी जाको बेकार का आदमी टेस्ट करा जो जरूरत आदमी है उसका हैम्पर होकर 2 दिन के बाद में जाता हूँ ना रिजल्ट 4 दिन के बाद में आता तब तक उसे सीवियरिटी ज्यादा हो जाते मर जाता उसके बाद रिजल्ट आता तो ऐसा था और एक मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बुखार से जो भी बुखार आपको कि एक दो की तीन दिन की जाको बुखार आपको उन्हें मर जाता आदमी तो इंतकाल होगा तो उनको हमने हमारे डिपार्टमेंट को इतला करना हमें चुप चुप के कहकर बोला तो अब खुदा ना खासा उन्हें कोविड से आपको मर गा तो तुम्हें जो भी पानी नहलाती है कि कौन की जाको मैयत को जाकर रहती है उनको पूरा अंग इफेक्ट होता है इसका खास ख्याल रखना कहकर बोला तो ये बहुत ही चाहिए आजकल हमें क्या बोले गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन है शादियों को भी कम बदमा जाऊँगा लेकिन हजार हजार आदमी की शादी अभी होले को है मैसूर में छुई है परसों शादी हजार आदमी की हुई नहीं कहते 200 आदमी आ जाएंगे तो 200 आदमी चले के बाद फिर 200 आदमी आते तो टेलर मेड प्रोग्राम कर रहे हम लोग तो ऐसा चल रहा है और मैया तंग को भी क्या है करके बोला तो मैया तंग भी ऐसा छोरी सौ मैया तंग को भी 50 आदमी 20 आदमी करके रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट से 20 आदमी 200 नहीं 1,000 आदमी भी जा रहा वहाँ भी जा रहा है तो मैं बेहतर उनको वहाँ से दुआ करके उनको क्या है उनको जरूरत पहुँचाओ तो उनको जरूरत होती है लेकिन ये सब चुपके उनको इन्फेक्शन फैलाना गलत होता है। आखिर मैं यही कहूँगा आपकी और डॉक्टर नयाज की कुर्बानी मैसूर वाले हमेशा याद रखेंगे। सर आज जो कमेटी वालों से आपने बात की उस वालों से बात करें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए कि ताकि हम कमेटी वालों का शुक्रिया अदा कर सकें। मैसूर में मैं समझता हूँ एक बहुत ही तारीखी तौर पर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लोग। रात के 3 घंटे रात में कमेटी के अरकान हमारे साथ खड़े रहे, लाइट रहा नहीं रहा, कपड़े रहे नहीं रहे, बारिश हो रही नहीं हो रही, फिर भी हमारे साथ ना करते हुए आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल मैं पूरी कमेटी का एक शख्स का नाम लूं और एक जने का नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए दिल से दुआ है अल्लाह उन सबको अल्लाह उनकी भी आखिरत अच्छी करे। बहुत ज़्यादा उनसे मदद मिल रही है। रहा 2-3 चीज़ें मैं लोगों से हमारी आवाम से एक चीज़ की क्या गुजारिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन अल्लाह के वास्ते आप लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर सिर्फ ज़रूरी काम के लिए निकलें क्योंकि हम देख रहे हैं हालात दिन ब दिन हालात एक के बाद एक और ख़राब हो रहे हैं। पहले हम दिन में एक मुसलमान का इंतकाल हुआ हम लोगों को बहुत बुरा लगा क्या भाई पहली डेथ हो गई एक कल 3 हो गए बिल्कुल आज ऑलरेडी 2 तो मतलब अब अल्लाह क्या अब और एक साथ हो चुके हैं क्या है अल्लाह का ये क्या समझ में नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर बुरा वक्त चल रहा है। अगर आज भी नहीं सुधरे तो जैसा बेंगलोर में रोड पे पड़ी रही बॉडी वो हालत मैसूर में नहीं हो, इसलिए आप लोगों को एहतियात करना चाहिए, घरों में रहें सबसे पहली बात, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें, दूसरी बात किसी को भी बुखार है तकलीफ है सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाएं, अल्लाह के वास्ते आप लोग आइए दिखाइए और ट्रीटमेंट कराइए, तीसरी बात किसी को भी पॉजिटिव आ गया आप डरिए मत,
अल्लाह का एहसान है, महकमा सेहत से हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, हुकूमत की जानिब से बिल्कुल बिना किसी तासुब के, बिना किसी रोक टोक के सबको एक तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी तरीके की खौफ की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग, मैं खुद शिराज भाई हो, मैं हो, एज ए हमारे कौम का एक हिस्सा होते हुए, गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होते हुए, महकमा सेहत का हिस्सा होते हुए, हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं कि इसमें किसी को, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। जो अफवाहें अलग अलग तरीके की सुनने को बेबुनियाद हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सबको एक तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, इंशाल्लाह सबका भला होगा। 3-4 महीने सब्र करें, इंशाल्लाह हम इस वबा पर काबू पा चुके होंगे। तब तक इसके लिए हालात मदाक के ज़रा हमारे साथ ताउन करें। मैं आखिरी में एक चीज़ की गुजारिश करता हूँ, मदफन के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। मैं पहले भी वॉलंटियर्स के लिए गुजारिश कर चुका हूँ, मदफन के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वॉलंटियर्स आएँ, हमारी तहफ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के साथ रबता करें, उनके पास अपने नाम दर्ज कराएँ, अपना फ़ोन नंबर दर्ज कराएँ। जब कोई मदफन होगा आप लोग आएँ, इसमें आप लोगों की आखिरत की तिजारत है, हमारे आखिरत की तिजारत है। एज बता दें, वॉलंटियर सेहतमंद लड़के, यंग नौजवान लड़के, कोई बीमारी नहीं हो, अच्छे सेहतमंद बच्चे हों, बस आए। इंशाल्लाह 100% सबको प्रीपी किट्स देंगे, पूरा प्रिकॉशन के साथ हम खुद भी रहेंगे। यानी उनकी सेहत के लिए कोई खतरा नहीं, जो भी आना चाहे। कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ आखिरत की तिजारत है। अल्लाह उनको भी उसमें उसका सवाब मिलेगा, उसका जजा उनको मिलेगा। ये ऐसा है कि इस वबा से बाहर निकले तो अल्लाह का करम, हम लोग एक उम्मत बनकर शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। जैसे हमारे शिराज डॉक्टर साहब और नयाज डॉक्टर साहब की बहुत खिदमत जो मैसूर की आवाम के वास्ते जो कर रहे हैं, ये मैं ये 8-10 दिन से देख रहा हूँ। डॉक्टर शिराज और डॉक्टर नयाज डॉक्टर, इन्हों जो मैसूर के जो जिम्मेदार हैं उनसे सब मिलकर, जैसे बेंगलोर में हादसे हो रहे हैं जो एक ही टाइम पे 15-20-25 जो डेड बॉडी लगा रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना मैसूर में। इसके वास्ते मैसूर की अवाम को और कब्रिस्तान कमेटी को ले को एक टीम बना रहे हैं कि ये हमें आसानी से हो जाए। ये जो तकलीफ हो रहे हैं, जो डेड बॉडीज आ रहे हैं 10-15 मैसूर में भी स्टार्ट होते हैं, करके सिंकी आ रहे हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारी कमेटी की तरफ से और मैसूर के अवाम की तरफ से भी इनके दो जने का शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे डीसी साहब हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।